और चूंकि हमारे गुरुजी अध्यापक हैं, सरकारी प्राइमरी विद्यालय के अध्यापक हैं, देखिए सरकारी पेशे में है, उसके बावजूद भी खेती कर रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत बड़ा, हम कहीं ना कहीं इनको हम धन्यवाद देते हैं कि अपने पेशा से जुड़े हुए हैं और इस तरह की जो एक तरह से सेवा भाव के उद्देश्य से, क्योंकि किसान देखा जाए तो बहुत बड़ा समाज का सेवक होता है और बिना कितना आपके पास पैसा रहे, रुपया धन बल रहे, लेकिन अगर अनाज न रहे तो ज़िंदगी चलाना बड़ी मुश्किल का काम हो जाएगा। जय साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों अभी हम अपने ही जिले महाराजगंज में हैं, ग्राम सभा खनौली है, और हमारे साथ अब देखिए जो इस एक यंत्र है, इससे पुआल है जो निरुआ है इसको बटोरा जा रहा है। हमारे गुरुजी हैं अरविंद विश्वकर्मा सर जी, और चूंकि विद्यालय में भी TLM के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं बहुत, और इनका तमाम वीडियो वायरल भी होता है, तमाम इनके जो पढ़ाने के तरीका है, जो तमाम जीरो इन्वेस्टमेंट के तरह जो भी छोटे छोटे यंत्र बनाकर बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन अभी चूंकि अब खेती किसानी से भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं और इनकी समस्या थी, देखिए पुआल जो निरुआ है जो सरकार रोक लगा दी है, इसको जलाया नहीं जा सकता, इसको बिटोरने का काम कर रहे हैं, उसको कहीं पर इकट्ठा रख दिया जाएगा। तो आइए जानते हैं, सॉरी से प्रयास करते हैं कि क्या वजह रहा कि इसको इस तरह से एक नया, एक तरह से देखा जाए प्रयोग है, बहुत बेहतर लग रहा है, पूरा देखिए खेत साफ हो जा रहा है, इसको इसी से पूरा चारों तरफ बिटोरा जा रहा है। देखिए अभी सर जी काम कर रहे हैं, थोड़ा इनसे बातचीत भी करते हैं। सर, सबसे पहले आपको हमारे सूरज न्यूज पर स्वागत है, बहुत बहुत आपको नमस्कार, धन्यवाद। किस तरह से आपने किसानों की समस्याओं पर, देख सकते हैं दोस्तों यही है, यही यंत्र है, इसी से बटोरा जा रहा है, तो इसको बनाने का सर जी क्या उद्देश्य रहा, थोड़ा बताएंगे दर्शकों को। बस इसका उद्देश्य यही था कि कम समय में जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा ये जो पुआल है इसको बिटोर सके। तो समस्याएं तो हैं, क्योंकि अगर अगर इसको जल जाता तो इतना दिक्कत नहीं होता, उसको बनाना भी नहीं पड़ता, तो कहीं जलाएंगे तो नहीं, क्योंकि सर मतलब पर देखा जाए तो प्रशासन, हमारा वातावरण दूषित होगा और हमारी जमीन है जो उसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगी। यानी तमाम जो किसान की एक तरह से आप ही की समस्या नहीं, बल्कि तमाम जैसे कंपाइन से जो भी धान कट रहा है और जो उसका पुआल है निरुआ है, उसको इसी तरह अगर इससे बटोरा जाए तो काम को आसान कर दे रहा है। हाँ, बिल्कुल। अगर हाथ से बटोरने की अपेक्षा या हसुआ से जो लोग बटोरते हैं, ऐसे दिमाग में आया कि इसको बनाया जाए और ये सब सारी चीजें। दरअसल स्कूल से छूटने के बाद से एक दिन मैं आया तो हसुआ लेकर आया था बिटोरने के लिए, तो एक घंटा लग गया, थोड़ा सा बिटोर पाया था, तो मन में आइडिया आया कि इसी तरीके जैसे वो मन में आइडिया आ गया जैसे धान बिटोरते हैं वैसे क्या इसको नहीं बिटोरा जा सकता है। तो बस कुछ नहीं, 5-6 कांटी लगा है और हत्था लगा है, तार से इसको बांध दिए हैं, बड़ा आराम है। एक बात हमको नहीं समझ में आ रहा है, तमाम लोग जो भी लोग सरकारी नौकरी में आ जा रहे हैं, आप भी चूँकि सरकारी नौकरी में हैं, अध्यापक हैं, सहायक अध्यापक हैं प्राइमरी विद्यालय के, और तमाम जो भी लोग कहीं ना जो गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, तो ऐसे लोग तो कतई खेती करना पसंद नहीं करते हैं, और देखिए आपको भी कितना दिक्कत हो रहा है अभी सांस लेने में दिक्कत, चूंकि इतना मेहनत का काम है, उसके बाद चूंकि नौकरी में भी हैं आप, अच्छा बढ़िया पैसा कहीं ना कहीं कमा रहे हैं, उसके बावजूद खेती कर रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा क्यों आखिर में इतना भरा जो खेती करना बड़ी बहुत बड़ा जोखिम है। देखिए सभी लोग नौकरी करने लगेंगे और हर नौकरी करने वाला व्यक्ति अगर खेती छोड़ देगा तो बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, और खेती करना एक पुण्य का काम है, क्योंकि उससे उन लोगों के पास जाता है जिनके पास न भूमि है और न ही उनके पास जो है कोई इस तरह के का उपज, मतलब अनाज उपजाने का कोई साधन नहीं है। अब देखिए राशन की दुकानों पर लाइन क्यों लगती है, मैं तो ये देखता हूँ, अगर हमारे घर में है तो हम राशन की दुकान पर लाइन लगाने नहीं जाएंगे। हाँ, ये भी सही। नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे हमारे भारत के ही बहुत सारे ऐसा वर्ग ऐसा है जिसके पास जो भूमि नहीं, भूमिहीन है, और वो अनाज उपाय अनाज नहीं उत्पादन कर पा रहे हैं, तो उनको लाइन में लगना ही पड़ेगा, और सरकार हमारी जो है ऐसे लोगों का भरण पोषण करती है, तो सरकार के पास जाता कहाँ से है, इन्हीं खेतों से जाता है, यही सब जो है जा करके सेल होता है और जा करके वहाँ से तैयार होकर के आता है, और बहुत बड़े वर्ग का इससे भरण पोषण चलता है। हमारे स्कूलों में मीडियम बच्चों का जो मीडियम है हम अपने घर से नहीं ले जाते हैं चावल। आज आपको मालूम है 600 बच्चों का प्रतिदिन हमारे स्कूल में भोजन बनता है, एक बोरा चावल बनता है, अब उतना चावल रोज बनता है तो गवर्नमेंट ही तो देती है, और पैदा नहीं होगा तो फिर मिलेगा कैसे, क्योंकि पैसे से तो पेट भरेगा नहीं, जब भरेगा तो अनाज से भरेगा। क्योंकि आप खेती कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि लागत कितना लगता है, कितना मुनाफा होता है, तो ईमानदारी से बताइएगा कि जो आप लागत लगाते हैं क्या उस हिसाब से आपको मुनाफा मिल पाता है, संतुष्ट है खेती के काम काज से आप? देखिए जहाँ तक संतुष्टि की बात है,
खेती में जितना लग रहा है उसको अगर आप लगेंगे जोड़ने और जो आपको पैदा हो रहा है बराबर हो जाए वही बहुत अधिक है। लेकिन संतुष्टि क्या मिलती है कि हम अपने खेत से पैदा करके खा रहे हैं, हम खरीद के नहीं खा रहे हैं, बस इतनी सी संतुष्टि होती है। क्योंकि इसी मिट्टी से जुड़े हुए हम लोग हैं पहले से ही, और इसी से जो भी कुछ हो रहा है कहीं कहीं खेती से ही आगे जो भी पढ़ाई लिखाई हुआ, आज नौकरी में आ गए, पेशा में आ गए तो अलग बात है, लेकिन तमाम लोग जो नहीं आए वह तो कहीं कहीं खेती बाड़ी से ही अपना जीवन यापन लोग कर रहे हैं। तो कहीं कहीं एक तरह से देखा जाए तो जो हमारे दादा जो हमारे पूर्वज किए उस चीज को करके थोड़ा खुशी मिलती है दिल दिमाग में। लेकिन ये भी वास्तविकता है, सच्चाई है कि आज किसान परेशान है। किसानों की आमदनी जिस हिसाब से अन्य वर्गों की आमदनी बढ़ रही है उस हिसाब से किसान संतुष्ट नहीं है। किसान दिन पर दिन कहीं कहीं देखा जाए तो गरीब होता जा रहा है और बहुत सारे लोग इसीलिए खेती को छोड़ रहे हैं, नहीं बढ़ रही है खेती। जैसे देखिए महंगा क्या पड़ रहा है, देखिए नहर में पानी रहता है लेकिन वो यूजलेस हो जाता है क्योंकि वो कहीं का नाला है तो भट गए हैं, व्यवस्थाएं नहीं सही है, नहीं सही है ना। दूसरी हमको बाध्य होना पड़ता है वो इंजन चला करके, और उसमें 250 रुपया घंटा चलता है। अगर 25 डिसमिल खेत है उसमें 3 घंटा पानी लगता है, तो इस तरीके से करके 3-4 बार हमको पानी चलाना पड़ता है। हाँ, उसके बाद से 2-3 बार सोहनी लग जाता है। जब बारिश नहीं होगी तो प्रकृति भी साथ नहीं देती है हमारी। हाँ, जब बारिश नहीं होती है तो पूरा घास फूस जम जाता है, और एक बार सोहवा देंगे बस 15 दिन के बाद से फिर से आपको सोहाना पड़ता है, निराई गुड़ाई कराना पड़ता है, उसमें ज़्यादा खर्च होता है। सब कुछ जोड़ने लगेंगे तो समझ लीजिए कि खेती तो छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन यह इतना पुण्य का काम, मैं एक बार और कहूँगा अपने किसान साथियों को कि लाख परेशानी हो खेत अपना है, और अनाज के बिना कोई नहीं रह सकता है, तो उसके लिए न केवल अपने पेट भरने के लिए बल्कि वो लोग जिनके पास जो खेती नहीं है उनका पेट भरने के लिए खेती तो करना पड़ेगा। साथियों, किसान को अन्नदाता कहा जाता है, और देखा जाए तो अन्नदाता कहीं कहीं पूरे देश का पूरे समाज का पेट भरता है अपने अनाज पैदा करके। चूँकि कहीं कहीं इनकी स्थिति दिन पर दिन देखा जाए तो गंभीर होती जा रही है, समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं, तो सत्ता में जो भी बैठे हैं, जो भी सरकार में बैठे लोग हैं, उनसे यही आग्रह है कि किसानों की समस्याओं पर भी बात की जाए, उनकी समस्याओं का निदान किया जाए, और जो उनके फसलों का जो दाम है उसको उचित रेट दिया जाए, कम से कम समर्थन मूल्य दिया जाए, जिसकी वजह से जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं वह कहीं कहीं संतुष्ट हों, उनका भी जीवन खुशहाल हो। नहीं तो ऐसे ही समस्याएँ आती रहेंगी। तो जो भारत कहा जाता था कृषि प्रधान देश भारत को, और सबसे बड़ा व्यवसाय भारत का पहले यही था, लेकिन आज देखा जाए तो खेती में दिन पर दिन भारत कमजोर होता जा रहा है। फसलों के उत्पादन में जो पहले स्थिति थी वो कहीं ना कहीं दयनीय होती जा रही है। तो इस तरह से यही स्थिति है किसानों की समस्याओं। तमाम लोग वीडियो जो देख रहे हैं, जो भी किसान साथी लोग हैं, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको थोड़ा शेयर करिएगा। और चूँकि जो यंत्र है जो कहीं ना कहीं किसानों की जो तमाम जो भी लोग इस तरह की समस्याएं हैं जो नेरुआ और पुआल को इकट्ठा करने के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट है, तो हमने सोचा आपको दिखाया जाए। और आप क्या सोचते हैं इनके इस जो तरह से देखा जाए प्रयोग पर, कमेंट जरूर बताइएगा। और साथियों मिलेंगे किसान वीडियो, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय साथियों, धन्यवाद।